राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये मार्केट के लिए निकल रहे हैं और हम लोग इस गाड़ी को आज, मतलब हम लोगों ने इस गाड़ी की आज लास्ट वीडियो बनाई है, क्योंकि आज हमारी गाड़ी टाटा बाय बाय हो जाएगी। यानी कि इसको ये इन्होंने सेल कर दिया है। तो ये बोले कि, मैंने कहा रुक जाओ, मैं इसकी आज लास्ट वीडियो तो बना लेती हूँ, फिर ये गाड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत टाइम से है। और यहाँ पे बच्चे रेडी हो रहे हैं, और ये ब्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ, ये ब्लॉग संडे का ही है और संडे की शाम का ब्लॉग है, और संडे की दोपहर तक का ब्लॉग आप तक मेरा पहुँचा था, और जिसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी रखी थी। तो बस हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और आप देख रहे हैं हल्की हल्की सी बारिश भी हो गई है, और तो बस हम लोग निकल दिए हैं घर से। और सिस्टीन है उस गाड़ी में, ये अपना खांडा दे रही है डैडी को टांगने के लिए। उस गाड़ी में इन्होंने टांग रखा था, तो जब ये गाड़ी उस दिन लेके गए थे, इन्होंने अपना उतार लिया, तो फाइनली आज फिर टांग दिया है। और काफ़ी टाइम लग गया गाड़ी आने में, और काफ़ी ये परेशान हुए, बट फाइनली आ गई है। तो चलिए हम लोग पहले तो जाएंगे मंदिर, माता रानी के मंदिर में। कोई तिथि वगैरह है तो मंदिर में भजन और वगैरह हो रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। और तो बस यहाँ पे आज, मतलब अच्छा दिन है, आज शुभ दिन है, और आज के ही दिन ये गाड़ी उठा के लाए, तो बढ़िया है। हम लोगों को इतना, हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया था कि आज, मतलब ऐसा कुछ देखा भी नहीं था, बट बहुत अच्छा दिन निकला आज का। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कितने सारे घोड़े चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर मानता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो आप घोड़े की जोड़ी चढ़ाएंगे। तो ये देख, और आप लोगों ने सुनी होगी भद्रकाली मंदिर पर ये ऐसी मान्यता है, मतलब जो मनोकामना पूर्ण होती है तब यह। तो ये फाइनली गाड़ी अंदर ले आए हैं पूजन के लिए। नारायण 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 नार
इन्हीं ने किया था, सारी चीजें एक जैसी हो गई। पकड़ो नींद गिर जाने। रखे रहने आगे, ये हम चप्पल उतार रहे। अंदर एंट्री करवान पड़ा था। है? एंट्री करवान पड़ा था। पैसा देगा एंट्री के? नहीं, वो तो 100 रुपया वहां दिए थे, 251 रुपया पंडित जी को दिए। पता तो प्रसाद पहले ही पहुंच गया माता रानी के दरबार में। उड़ के लड्डू लेने हो, क्या लेने? पूजा हो गई है गाड़ी की, तो चलिए अब चलते हैं घर। और जो भी लेने हो मिठाई ले लियो। और संजोग की बात देखो, इन्हीं पंडित ने जो पहली वाली गाड़ी थी, तब उस गाड़ी का भी हम लोग पूजन करवाने आए थे। मतलब कब ली थी हम लोगों ने वो? 2016 में ऐसी ली थी। तो वो गाड़ी मतलब थोड़ी दिक्कत कर रही थी, परेशान हो, बार बार खराब हो रही थी, तो इस वजह से फिर उसको हटाना पड़ा। और ये वाली आई, तो इसका भी पूजन उन्हीं पंडित ने किया जिसने मतलब जो उस गाड़ी का पूजन किया था, वही वाले पंडित जी। संजोग की बात है, और दिन भी रविवार। चलिए अब चलते हैं घर। मैं आ गई हूँ घर, और ये थोड़ी देर बाद चले गए सब्जी लेने, तो साथ में सिस्टी भी गई है। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, तो अभी मुझे बर्तन भी लगाने हैं। ये देखिए, क्योंकि खाना वाना खा के बस, क्योंकि लेट भी हो गया था खाना, तो बस मैं लेट गई थी, और फिर थोड़ी आधा घंटा एक घंटा लेटी होंगी, उसके बाद चली गई मंदिर चली गई। तो बर्तन अभी ऐसे ही पड़े हैं, तो बस मैं बर्तन लगाने जा रही हूँ। तब तक चाय मैंने चढ़ा दी है, और पूजा भी मैंने कर ली है। और आज तो पूजा कई बार मतलब दो जगह पे पूजा हो गई। पहले भद्रकाली मंदिर गई मैं, उसके बाद फिर घर आके फिर रास्ते में हमने लिया था प्रसाद वहाँ पे भद्रकाली में। तो वो चढ़ता है नारियल और मिश्री, ये जो वो वाइट वाले मीठे दाने होते हैं ना, इलायची दाने बोलते हैं उनको, तो हमारे यहाँ तो इलायची दाना बोलते हैं, इलायची हाँ ऐसे इलायची दाना बोलते। तो वो और वहाँ पे नारियल का चढ़ता है प्रसाद, तो वहाँ पे तो भद्रकाली में तो वो चढ़ाया था। फिर वहाँ से वापस में आए, तो वहाँ फिर इन्होंने लड्डू ले लिए। तो मैं कह रही थी कि लड्डू क्यों ले रहे हो, कौन खाएगा? तो बोले कि बस तुमने बीच में क्यों बोल रही हो, लड्डू कौन खाएगा, हम लोग खाएंगे। मैंने कहा ले लो भाई, मन है, हम तो मतलब मीठा आज कम ही खाते हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया। तो फिर मैं आ गई घर, तो मैंने कहा अब ये पूरा डिब्बा है बड़ा, तो क्यों इसको, पहले चलो यहाँ पे खेड़ा मंदिर है, चलो हम लोग मंदिर चलते हैं, वहाँ चढ़ा देंगे प्रसाद, खेड़ा पे भी चढ़ जाएगा और अलग है, मतलब चलो एक मतलब अगर ना लेके आते तो ना भी चढ़ाते। बट फिर वहाँ से वो लड्डू लेके आए, तो फिर जब घर में डिब्बा खोला हमने, मैंने खोला, तो मैंने कहा चलो प्रसाद चढ़ा दो, अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। जब भाई खाना तो है ही, तो भगवान पे ही चढ़ा दो, बड़ा है डिब्बा। तो फिर हम चले गए स्कूटी से खेड़ा मंदिर, यहीं पास में है खेड़ा, यहाँ पे खेड़ा बोलते हैं। और वैसे वो मतलब वो शंकर भगवान का ही मंदिर होता है,
शंकर भगवान ही होते हैं, खेड़ा खेड़ा बोलते हैं, खेड़ा बाबा। तो हमारे साइड नहीं है, मतलब इस तरीके के नहीं बने हैं, जो मठ टाइप में बनी होती है पूरी, ऐसे दिखाऊंगी आपको। मेरे साइड में नहीं होते ये वाले, जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हरियाणा में होता है, खेड़ा मंदिर बना होता है। तो फिर हम वहाँ चले गए, फिर वहाँ पे वो मैंने लड्डू चढ़ाए और फिर मैं घर आ गई। फिर उसके बाद बस यहाँ पे थोड़ी देर मैं फिर बैठ गई, फिर मैंने कहा लाओ पूजा वगैरह करती हूँ, फिर अब बना रही हूँ मैं चाय। तो जब तक ये आएंगे तब तक चाय भी बन जाएगी। तो चलिए, और सब्जी आ चुकी है सारी, तो बस मैं यहाँ पे चाय गर्म कर देती हूँ। चिड़ी सी काट देती हूँ। यहाँ मोमोज भी आ गए सब्जी खरीदने गए। बताओ नई गाड़ी खरीदी तुमने कि पुरानी? ला पुरानी कौन सी है? होंडा इमेज अमेज। अच्छा, पहली वाली हमारी बहुत अच्छी गाड़ी थी। पहली वाली गाड़ी का भी हमने करवाया था, पहले भी जो आई थी उसका भी हमने अच्छे से पूजन कराया था। और हम लोग इतना गए, मतलब कहीं भी गए आज तक, जो हमेशा मार्केट में रहते हैं, 12 बजे आ रहे, 11 बजे 12 बजे, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी थी। और अब ये भी अच्छी निकलेगी क्योंकि इनको रहना है सारे दिन गाड़ी में ही, सुबह से लेके शाम रात तक, इसलिए गाड़ी का पूजन करवा लिया था। चलिए इस ब्लॉग का एंड यही करूँगी। और पुरानी है दोस्तों गाड़ी, नई नहीं है, क्योंकि इनको नई तो खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पुरानी ही ठीक रहती है, क्योंकि इनको सारे दिन चलाना है मार्केट में, इसलिए हमने पुरानी, पहले भी पुरानी ली थी, अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हम लोग कभी करीब 20 दिन तो हो ही गए हम लोगों के पास गाड़ी, मतलब इनके पास गाड़ी नहीं थी, हमें तो कहाँ जाना, लेकिन हाँ ये परेशान हो रहे थे, तो फाइनली आ गई और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। सारे खा ले, हम सोच रहे थे एक और दे दो, कितने स्पीड से मोमोज खाती हैं। डैडी ने एक खाया, 12 थे, एक हमने खाया, एक डैडी ने खाया था, दो तो भी 10 थे, 10 5 खा गई और ले लेती। वो उसमें आने से हाथ जला जला था, उसमें देख रही मैं, वो सिर्फ स्प्रिंग रोल भूंज रहे, साथ में कीड़े भूंज रहे हैं। देख के आई अभी, स्प्रिंग रोल भूंज रहे ना, जो ऊपर से गिर रहे थे बेवाले कीड़ा भैया, हमें पता नहीं है, हम तो भैया खाती नहीं है, कीड़ा भुंज रहे और ये बता रही है, मोमोज लेके आई तो बता रही है स्प्रिंग रोल के साथ कीड़ा भी भुंज रहे और जाने भुंज रहे कि ऐसे ही बोल रही। डैडी बता रहे थे तो चलिए बाय बाय, लव यू। और यहाँ पे ये ढेर सारी सब्जी लेके आए थे, तो बस ये फ्रिज में मैं सारी सेट कर देती हूँ। और पीहू को मैंने कैमरा थोड़ा पकड़ाया है कि तुम चलो थोड़ी सी बना दो, तो बस मैं वही बीच में कह रही कि तुमने वीडियो ऑन किया भी है कि नहीं।